हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर में आईयूपीसी नेम के बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आईयूपीसी नेम के बारे में। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आईयूपीसी नेम का क्या पैटर्न होता है, कैसा होता है। तो मैं अगर नियम लिखाने की बात करूँगा तो नियम अगर देखो दो तरीका हो सकता है, या तो बुक की स्टाइल में पढ़ाऊँ, तो बुक की स्टाइल में अगर चलूँगा तो बहुत सारे नियम लिखना पड़ेंगे पहले, और नियम लिख के फिर एग्जाम्पल में आना पड़ेगा। तो नियम इतने सारे हो जाते हैं, रूल्स इतने सारे हो जाते हैं कि रूल्स में ही दिमाग आधा खराब हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूल्स को बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन आप पूरा जाएगा, पूरा रूल्स आ जाएगा, लेकिन मैं तरीका थोड़ा बदल दिया हूँ। ठीक है, इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्योंकि देखो, नियम को कभी भी पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, रूल्स को कभी भी नहीं पूछा जा सकता कि आईपीसी नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या है बताओ, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। सीधा सीधा कंपाउंड दिया जाता है और उसका आईपीसी नाम लिखना होता है हमें। तो हमको क्या करना है, हमको एक कंपाउंड है उसका आईपीसी नाम लिखना है। ठीक है, बेसिकली यही हमारा काम है। तो कंपाउंड दिया है और उसका आईपीसी नाम लिखना, ये हमारा काम है। अब उस तो नियम में हम इतना क्यों लिखा पढ़ी करें जब बहुत शॉर्ट में हो सकता है। तो जरा देखिए, नियम को इजी करने के लिए, रूल्स को इजी करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा। मैं पूरे कॉम्प्लेक्स को, मेजर जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जितने टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहला कैटेगरी ऐसा लिखा हूँ, देखना, एम होगा मेटल होगा, लिगेंड होगा, नंबर ऑफ लिगेंड होगा, और ब्रैकेट के बाहर कोई काउंटर आयन होगा। काउंटर आयन हमेशा बाहर वाला निगेटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, या काउंटर आयन को हटा दूं तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज भी दिख सकता है। ठीक है, अब वो वाई संख्या में है, जेड है, उसकी मतलब नहीं है। अच्छा, कभी कभी जीरो चार्ज वाला भी हो सकता है। ये तीनों को हम लोग ना इस सेगमेंट में रखेंगे, तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्स जो होगा, इसका नाम का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। और एक दूसरा कैटेगरी, जब जेड बाद में ना होकर पहले हो, पहले होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो इसका नेगेटिव फॉर्म अगर जेड को हटा के शो करूँ तो ऐसा शो कर सकता है, जिसमें वाई कोई संख्या है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स वो है, कंपाउंड है, जिनको मैं एक अलग कैटेगरी बना दिया हूँ। पहले हम लोग इसके नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं, इसके नेमिंग का पैटर्न क्या है। तो इसके नेमिंग के पैटर्न में क्या क्या चीज़ें, बार काम की चीज़ें हैं, उसको ज़रा देखिएगा। पहले होता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। देखो, न्यूमेरिकल मतलब लिगेंड की संख्या को दर्शन, जैसे एन है तो एन दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले होता है, न्यूमेरिकल मोनोडाइट्राई ऐसा, हालांकि मोनो को लिखने की जरूरत नहीं होता, मैं देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, है ना। अब मैं इंग्लिश में पहले लिख देता हूँ, फिर हिंदी में बता दूंगा। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स प्लस, प्लस क्या होगा, लिगेंड का नाम, लिगेंड नेम, लिगेंड का नेम या नेम ऑफ लिगेंड। फिर क्या, तीसरा देखो क्या बोला, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, लिगेंड का नाम, और लिगेंड के नाम के बाद लिगेंड के, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद आ जाएगा मेटल का नाम, नेम ऑफ मेटल। मैं लिख देता हूं एम नेम, मेटल का नाम। ठीक है, मेटल का याद रखिएगा, नाम में दो भाषा में नाम होता है, ये तो कुछ इंग्लिश में होते हैं, कुछ लैटिन में होते हैं। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में हमेशा इंग्लिश नेम लिखना है, लैटिन नेम नहीं लिखना है, इंग्लिश नेम। ठीक है, ये हो गया काम। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हमेशा याद रखना कि दो के लिए एक तरह से बाइडेंटेड ऐसा डाई, तीन के लिए ट्राई ऐसा, चार के लिए टेट्रा इस तरह से चलेगा, पाँच के लिए पेंटा, छः के लिए हेक्सा, ये शब्द, ये सब शब्द यूज़ करेंगे। लिगेंड का नाम जो लिस्ट में लिखाया गया है वो जरूरी है। मेटल का नाम हो गया, अब मेटल के नाम के बाद में इसमें ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में दर्शाते हैं, किसमें, रोमन में, रोमन भाषा में जो न्यूमेरिकल लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे वन को ऐसे डबल आई कर देते, टू ट्रिपल आई एटसेट्रा, ये सब रोमन के तरीके हैं। हो गया इतना काम। फिर ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्लस आखिर में लिख देंगे जो भी काउंटर आयन अगर है तो, है काउंटर आयन है तो काउंटर आयन लिख देंगे, काउंटर आयन, अरे समझे बात, तो काउंटर आयन लास्ट में कर देते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, ये पहले टाइप के कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। हाँ, अब याद रखना, काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का नाम आएगा, मान लो काउंटर नहीं है, यहाँ पर आयन दिख रहा है तो आयनिक फॉर्म दे, तो ऐसे आयन शब्द लिख देते हैं, है ना, और न्यूट्रल है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से नेम इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये इंग्लिश नेम ही लिखेंगे, है ना,
वैसे सबके सबका इंग्लिश नेम ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वो छह मेटल हैं जिनका इंग्लिश और लैटिन नाम अलग अलग होता है, बाकी सबका एक जैसा यूज़ करना है। अच्छा ये याद रखना, जब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दो तरह से लिया जाता है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दो तरह से होता है, ये वाला जो भाग है वो दो तरह से होता है, टू के लिए ढाई, कभी कभी टू के लिए 20 भी यूज़ करते हैं, है ना, थ्री के लिए ट्रीज भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। कब? ये बड़े लिगेंड के केस में, या ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में। कब के केस में? ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में, और जो बहुत बड़े लिगेंड जिसके अंदर में ही न्यूमेरिकल वर्ड है, जैसे डाइथिलीन ट्राइमीन, ऐसा नाम में ही डाइथिलीन आ गया, तो फिर वहाँ पर ये वाला डाइट्राइन लिख के 20-30 लिखते हैं, उनकी संख्या को दर्शाना हो तो। तो ये पहले ऑर्गेनिक लिगेंड की, और ऑर्गेनिक लिगेंड छोटा हो भी वो तो भी कर सकते हैं, जैसे यूरिया, यूरिया को हम लोग चाहे वो एक अकेला भी, सॉरी उसके अंदर में और कोई बड़ा नाम नहीं है, उसके बावजूद उसको 20-30 यूरिया ऐसा यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड बड़ा मानते हैं। तो याद रखिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दो तरह से हो सकता है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, एक इस तरह और एक इस तरह से। अब ये हो गया पहले वाले नाम का पैटर्न, अब मैं दूसरे वाले नाम का पैटर्न बताऊँ, इसको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से जो छह मेटल है जिनका इंग्लिश और लैटिन नाम अलग अलग है, उनको लास्ट में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन संख्या निकालने आता है, काउंटर नेम एकदम कॉमन नेम की तरह होता है, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, जैसा नॉर्मल नाम बाहर पढ़ते हैं, IUPAC जो लिगेंड का नाम पढ़े वो अलग है, नॉर्मल नाम है ना। तो ये इतना चीज़ें होती है। अब हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब होता है लिगेंड की संख्या को दर्शाने वाली जो शब्द यूज़ करते हैं, जिसको हम बाई, दो के लिए बाई, डाई, तीन के लिए ट्राई, ऐसा बोलते हैं, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगना हिंदी में। उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड क्लोरो है कि ब्रोमो है कि क्या, जो जैसा नाम लिस्ट में है बिल्कुल हूबहू वही नाम यहाँ पर लिखना है। फिर मेटल का नाम, मेटल का इंग्लिश नाम और लैटिन नाम दो होते हैं, तो इंग्लिश नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे Fe आयरन है ना, Pb लेड, ऐसा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है, उसको रोमन वर्ड में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। काउंटर आयन के नाम को समान रूप से लिखना है जैसा आपने पढ़ते हुए आया है, जैसे Cl- आ गया तो Cl- को क्लोरो मत बोलना, उसको क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि ये स्फीयर के बाहर का नाम ना, उसमें IUPAC का नाम नहीं आएगा, स्फीयर के अंदर वाले के लिए IUPAC में लिगेंड का लिस्टिंग किया गया है। तो पहले इसको लिख लो, इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के अभी इधर के लिए बात करूँगा, ठीक है। या चलो मैं इधर दिखाई देता हूँ, जगह है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा अंतर आएगा, कैसे थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको देख लीजिए, इतने में आ जाएगा, हाँ पहले नेम ऑफ काउंटर आयन आएगा, काउंटर आयन नेम आएगा, काउंटर आयन का नाम वही जैसा लिखते थे वहाँ पीछे के बजाय सामने आएगा, ज़्यादातर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो पोटेशियम, सोडियम, ऐसा। याद रखिएगा काउंटर आयन के नंबर को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, दो है तो डाई सोडियम ऐसे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बाकी सेम है यहाँ से, लिगेंड का नेम, नेम ऑफ लिगेंड है ना, प्लीज, फिर मेटल नेम, नेम ऑफ मेटल, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लीजिए ऐसा, ठीक है। लेकिन याद रखिए मेटल का जो नेम है ना, ये जो मेटल का नेम है वो हमेशा लैटिन वाला होना चाहिए, लैटिन भाषा का नेम होना चाहिए, और ये तो रोमन आप जानते ही हो, बाकी सब सेम है। और लिगेंड का नेम जैसा वहाँ लिखाया गया है, तो ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है, क्या क्या कर रहा हूँ जरा वापस देखिए, काउंटर आयन का नाम पहले, लिगेंड का नंबर, अच्छा ये छूट गया है, नंबर ऑफ लिगेंड पहले, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हिंदी में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को बोल सकते हो अंकिक अनुलग्न, फिर लिगेंड नेम, फिर मेटल नेम वो भी लैटिन में, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या बोला जरा देखिए ध्यान से, पहले काउंटर आयन का नाम, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बस ये हो जाएगा दूसरा पैटर्न। हिंदी वाले काफ़ी अच्छे से, चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं दोनों में लिखूंगा तो आप ही समझ रहे हो, जगह यहाँ बहुत कम है, लेकिन हाँ दोनों में लिखा जा सकता है, आप हिंदी में और हिंदी में लिख दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दो। मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का मतलब होता है अंकिक अनुलग्न ना, जो पहले लगने वाला संख्या को दर्शाने वाला संख्या जो है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, फिर मेटल का नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर काउंटर आयन। जबकि इधर क्या कर सकते हैं, काउंटर आयन का नाम, फिर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, फिर लिगेंड का नाम,
और फिर मेटल का नाम, मेटल का लैटिन नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट वही रोमन में। अब यहाँ देखो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के जगह दो की जगह डाई, तीन की जगह ट्राई, चार की जगह टेट्रा, पांच की जगह पेंटा, सिक्स की जगह हेक्सा। यहाँ अगर सिंपल सिंपल लिगेंड हो तो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हो, कार्बनिक लिगेंड हो, है ना, जैसे यूरिया, मिथाइलमीन, है ना, और इथिलीन, ऐसा इनऑर्गेनिक लिगेंड जैसे इथिलीन डायमीन, ऐसा इनऑर्गेनिक लिगेंड जिसमें क्या हो, नाम के अंदर में ही डाइट्राई शब्द हो, तो फिर भी हम बीस यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश नेम यहाँ रखना है, बाकी तो ठीक है। तो ये जो देखो इंग्लिश लिखा हूँ, यहाँ लैटिन लिखा हूँ, तो याद रखिएगा केवल छः मेटल ऐसे हैं जिनमें लैटिन नाम अलग है, बाकी सबका लैटिन और इंग्लिश नाम सेम है। तो केवल छः मेटल को याद करना पड़ेगा, वो कैसे कौन कौन मैं यहाँ बता देता हूँ। तो पहले आप इस पैटर्न को नोट करें, हम लोग दो चार, मैं कम से कम पाँच से सात एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप लोग कर लेंगे। कुछ छोटे मोटे जो नियम हैं उनको कंपाउंड्स के नाम को करते करते हम लोग नियम को सीख लेंगे, ठीक है, साइड वाइज लिख देंगे मार्जिन में, लेकिन यहाँ पर हॉचपॉच नहीं करेंगे। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं लैटिन नाम के बारे में पहले बात करता हूँ, फिर सोचते हैं आगे। देखें एक चीज छूट गया था, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। जो राइट साइड वाला केस था, राइट साइड मतलब जहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायन का केस था, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायन जहाँ था वहाँ पर जो लैटिन नेम बोले थे अपन, लैटिन नेम में हमेशा ना एट शब्द जोड़ना है, एट शब्द जोड़ के ही बात करना है। जो राइट साइड वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है या काउंटर आयन पहले आ जाता है, उसमें हमेशा लैटिन नाम या मेटल के जो भी नाम है उस नाम में एट शब्द जोड़ना है। जैसे आयरन न बोलते हैं उसको फेरेट बोलते हैं, है ना, सिल्वर को एक तरह से, जैसे सपोज करो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट बोलेंगे, एट वर्ड हमेशा जोड़ना होता है, है ना, राइट साइड वाले में। लेफ्ट वाले में जरूरत नहीं, चाहे इंग्लिश नाम लिखो चाहे लैटिन नाम लिखो, वहाँ चाहे इंग्लिश लिखो चाहे लैटिन लिखो, एट शब्द जोड़ना है। तो वह हमेशा ना एट के साथ ही लैटिन नाम आता है, इसलिए मैं हमेशा एट के साथ जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो कुछ मेटल, जैसे मैं याद करते जाता हूँ, सी यू ये है सामान्य रूप से कॉपर, लेकिन जब इसमें लैटिन की बात करेंगे तो क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम होता है तो इसको हम क्यूप्रस लिखते हैं, क्यूप्रस, तो क्यूप्रेट हो जाएगा एट जोड़ के, क्यूप्रस प्लस एट जोड़ दिया हूँ, ठीक है। ये है आयरन का सिम्बॉल, इसको बोल देते हैं इंग्लिश में आयरन, लेकिन लैटिन नाम इसको फेरस बोलते हैं, तो फेरस से फेरेट हो जाता है, एट जोड़ के यहाँ से। फिर ये हो जाएगा पी बी लेड, ये लेड है, और इधर कर देंगे तो प्लम्बेट, प्लम्बेट, ठीक। टीन है एसन, इसको टीन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्टेनेट लिखते हैं इंग्लिश में, ये लैटिन में स्टेनेट। और क्या बच गया भाई, सिल्वर, इसको नाम सामान्य रूप से सिल्वर, सिल्वर लिखेंगे, ठीक है। और सिल्वर को क्या लिखते हैं इधर, अर्जेंटेट, 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 एक दो तीन चार पाँच, और भी है कुछ, गोल्ड, इसको बोलते हैं यहाँ अगर गोल्ड, और उधर क्या बोलते हैं, ऑरेट, ए यू आर ए टी ई, ऑरेट शब्द यूज़ करते हैं। तो उधर जो लिखा है वो बिजक राइट साइड के नाम में लगा देना, क्योंकि एट ऑलरेडी जोड़ दिया, और अदर आएगा जो लैटिन नहीं हुआ उसमें भी एट लगाना ही है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है उसमें ये नाम लिखना है। एक नोट पॉइंट हो गया, एक नोट पॉइंट और लिख ले रहा हूँ। जब लिगेन एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको हमेशा अल्फाबेटिकल मैनर में अरेंज करते हैं हम, लिगेन एक से ज़्यादा हो, वेन देयर आर मोर देन वन लिगेन, वेन मोर देन वन लिगेन, मोर देन वन लिगेन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल मैनर में अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल अरेंज्ड। हाँ देखिए क्या लिखे, हिंदी में लिख देता हूँ, जब एक से अधिक प्रकार के, मोर देन वन टाइप है, मोर देन वन टाइप लिगेन, याद रखना टाइप लिगेन, जब एक से अधिक प्रकार के लिगेन हो, एक से अधिक प्रकार के लिगेन हो तो उनका नाम, उनको वर्णमाला क्रम में रखते हैं, वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे
क्लोरो भी आ गया, नाइट्रो भी आ गया, तो क्लोरो का सी पहले आता है इसलिए नाइट्रो के इनको बाद में रखेंगे, तो पहले क्लोरो शब्द लिखेंगे फिर नाइट्रो लिखेंगे। तो ऐसा कुछ छोटे छोटे नियम है। चलिए अब इन सब नियम को पहले आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से। अब सीधा सीधा प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ, कंपाउंड देना शुरू करूँगा, फिर नाम उसमें लिखते चलेंगे। नोट करें पहले। हाँ देखेंगे, इन सबको देखें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अच्छा ये तो सामान्य नाम है जो मैं बोल रहा हूँ, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सामान्य नाम है। इसका आईपीसी नाम कैसे बनेगा? लिथियम पहले, ये देखिए लिथियम पहले काउंटर आयन का नाम पहले कर देते हैं, ये सेकेंड टाइप का कॉम्प्लेक्स है। फिर इन दोनों जब स्फीयर में आते हैं, नेगेटिव वाला स्फीयर है, तो इसमें राइट साइड वाला नियम लगेगा ना, पहले काउंटर आयन का नाम, फिर स्फीयर में, स्फीयर में लिगेंड की संख्या चार है तो टेट्रा, और एच को हम लोग लिखते हैं हाइड्राइडो, हाइड्राइडो लिगेंड, और ये है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को मैं एल्यूमिनेट लिखूंगा, क्यों भाई? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस वाला है, माइनस वाला जब भी होगा स्फीयर, हम हमेशा मेटल के नाम में क्या जोड़ेंगे? एट, जो भी थोड़ी देर पहले बात किए हैं। धीरे धीरे पांच सात करने दो, आराम से नियम को रिवाइज करते जाओ और देखते जाओ, नियम पलट के देखते जाओ, फिर आराम से समझ में आएगा। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए भाई, इसको प्लस वन करके अलग कर दूँ, ये माइनस वन हो जाएगा, है ना? फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस फोर और इक्वल्स टू माइनस वन, क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू फोर उधर भेजो, फोर माइनस वन मतलब प्लस थ्री, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। रोमन में लिखा हूँ देखो प्लस थ्री को ऐसे चढ़ा के, अभी ये शुरुआत है, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे। सोडियम जैसा नाम लिखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लो भाई, मैं इसी में हो सकता है कट छाट करूँ तो आपको खराब दिखेगा। सोडियम, सोडियम है ना, फिर चार हाइड्रोजन है, टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट, इसको लिखेंगे बोरेट। ये लीजिए, ठीक है, इधर आ जाइए, इसको क्या लिखूंगा? पहले तो पोटेशियम की संख्या, काउंटर आयन की संख्या को कभी दर्शाना नहीं होता है। अच्छा मैं तीन कैसे लिखा, आप फिर से निकाल लेना, प्लस माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, सेम पहले जैसा, तो एक्स इक्वल टू फोर माइनस वन और प्लस थ्री आया, इसलिए तीन लिखा। ऐसे कॉम्प्लेक्स दे तो क्या करें, यहाँ काउंटर आयन की संख्या को कभी भी शो नहीं करना है ना, केवल लिखेंगे पोटेशियम, एक दो कुछ भी नहीं लिखना, पोटेशियम, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट में शामिल होता है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, इसमें काउंटर आयन की संख्या ऑलरेडी मेंशन होता है। फिर इसके बाद देखो लिगेंड को, आयरन को बाद में, पहले लिगेंड की संख्या छः है, हेक्सा, कैसा लिगेंड? साइनो, साइनो। अब ये आयरन है तो फेरेट, फेरस में लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो फोर प्लस बाहर करूँगे तो फोर माइनस होगा, आयनाइज कर दिया करो, ठीक है, आप बाहर में अनाइज कर लेना, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ये हो गया x, और यहाँ से ये माइनस एक सी एन का होता है चार्ज, देख रहे लिगेंड का माइनस वन होता है, तो छः है तो सीधा माइनस सिक्स लिखता हूँ यहाँ से x, फिर x इक्वल टू सिक्स को उधर भेजिए, प्लस हो गया और माइनस फोर मतलब प्लस टू, और प्लस टू है ये देखिए रोमन में ऐसे, ठीक है। रोमन में प्लस टू माइनस टू अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल प्लस टू दो लिखे दे, प्लस टू को रिप्रेजेंट करता है, और मोस्टली हमको प्लस ही निकालना है, माइनस निकालना ही नहीं है, हाँ समझ लीजिए, क्योंकि प्लस ही होता है 99.9% केस में। यहाँ देखें फिर से लगभग सेम पैटर्न है, पर संख्या का कुछ अंतर आ रहा है, तो क्या लिखूंगा भाई? पोटेशियम, पोटेशियम है ना, हेक्सा, साइनो और फेरेट, और ऑक्सीडेशन देखो सब नाम सेम है यहाँ से यहाँ तक पिछले वाले से, लेकिन अंतर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ तीन प्लस होगा तो ये तीन माइनस होगा, यहाँ से एक्स मानिए एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, आगे क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू सिक्स उधर चल देगा, सिक्स माइनस थ्री आंसर प्लस थ्री, वन टू थ्री ऐसे आ रहा, क्या समझ में? तो इस तरह से हमारा काम बनेगा। फिर आ जाइए इधर नेक्स्ट में,
इसमें ना दो तरह का लिगेंड है, एक अमीन है और एक नाइट्रो है। तो अल्फ़ाबेट में देखो नाइट्रो का एन शब्द आता है नाम में और अमीन में ए आता है, ए अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो हम लोग बोले थे ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख देना एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो तो पहले इसको, तो ये हो जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई अमीनो, अमीन को एज अ लिगेंड अमीनो बोलते हैं, नहीं सॉरी अमीन बोलते हैं, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमीन नाइट, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो और कोबाल्ट। अब देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है इस पर, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, मतलब क्या है जीरो है। अब जीरो है मतलब ना तो एट लगाना है ना कुछ, सामान्य इंग्लिश नाम लिखना है, लेफ्ट साइड वाला रूल फॉलो करना है और उसको ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको देख लेते हैं कैसे करोगे। एक्स कोबाल्ट का इसका होता है जीरो, अमोनिया न्यूट्रल है और तीन माइनस थ्री है इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स इक्वल टू प्लस थ्री हो जाएगा और प्लस थ्री राइट साइड जाके प्लस माइनस से प्लस हो गया और ये एक दो तीन ऐसे। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से समझ में आ गया होगा कुछ तो कि क्या करना है। चलिए अभी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाते हैं, पहले तो पांच बहुत अच्छे से नोट करें, नियम को मैच करें, अगर भूल जा रहे हैं तो नियम को मैच करो। चलो चलिए कुछ कॉम्प्लेक्स में दे दिया हूँ, आप क्या करिए पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना भैया, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए और पहले खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद जब हो जाएगा अब उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख के गलत सही पहचानिए। जरा देखिए, चलिए पहले करिए आप लोग, हाँ हो गया हो तो अब मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ से देखो पहले लिगेंड का नाम संख्या टेट्रा और लिगेंड क्या है न्यूट्रल लिगेंड कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल है ना, टेट्रा कार्बोनिल इसको बोलते हैं निकिल। अब निकिल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ ना तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है तो मतलब पहले सेगमेंट में आ जाएगा नाम। फिर उसके बाद दूसरा ये क्या है क्लोरो का सी और अमीन का ए, तो ए पहले आएगा अल्फाबेट में तो इसलिए लिखेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन और डाई क्लोरो, डाई क्लोरो और इसको क्या लिखेंगे कोई चार्ज नहीं है सीधा प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम। और अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट छूट रहा है ऊपर भी, ऊपर तो जीरो आएगा, खुद निकाल लेना भाई, अब समझते हैं आप। और इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ये एक्स मान हुआ इसको माइनस टू, ये तो जीरो है तो ये माइनस टू ही सामने जाके क्या हो जाएगा ऊपर भी जीरो इसलिए जीरो है ना, यहाँ से एक्स इक्वल टू ये माइनस टू चल देगा उधर प्लस टू हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है इतना। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ से आगे क्या करें, यहाँ से देखिए अब इस सेगमेंट में मैं पहले तो नेमिंग कर देता हूँ, नेमिंग के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसको देखो तीन है और ये इथिलीन डायमीन है, ये इथिलीन डायमीन ऑर्गेनिक लिगेंड भी सॉरी वो बड़ा लिगेंड है जिसके नाम में खुद डाई ट्राई शब्द है, इसलिए इसको तीन दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिस, ट्रिस है ना, और फिर ट्रिस के बाद इथिलीन डायमीन, लेकिन ट्रिस के बाद ना ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, ट्रिस इथिलीन डायमीन, इथाइलिन डाई अमीन, नहीं तो पता नहीं चलता ना कि अमीन दो है डाई अमीन अलग है कि एक साथ है, तो इथिलीन डायमीन ट्रिस, फिर क्रोमियम, क्रोमियम क्योंकि ये अच्छा ये देख लेना ये बाहर सल्फेट है यहाँ टू प्लस है तो इसलिए क्रोमियम लिखूंगा है ना, क्रोमियम फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर बाहर सल्फेट, सल्फेट सामान्य रूप से लिखना क्योंकि ये काउंटर आयन है सल्फेटो नहीं लिखना है। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, एक्स ये तो जीरो है इक्वल टू ये टू प्लस टू है और प्लस टू ही एक्स है इसका मतलब दो ऐसा निकलेगा, हो गया भाई क्लियर है ये बात। हाँ फिर देखें और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से क्लोरो का सी नाइट्रो का एन अमीन का ए, ए ऊपर में आ रहा है अल्फाबेट में तो लिखेंगे टेट्रा अमीन, ये पहला बात टेट्रा अमीन हो गया। उसके बाद क्लोरो नाइट्रो में से कौन पहले क्लोरो तो क्लोरो, फिर नाइट्रो टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रो, उसके बाद कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को कोबाल्टेड करना है क्या, नहीं यहाँ प्लस है इसलिए कोबाल्टेड नहीं करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और बाहर में ये पूरा का पूरा आयन है इसलिए आयन शब्द जोड़ देते हैं आयन, क्योंकि ये बाहर ये पूरा का पूरा एक आयनिक स्पीसीज है न्यूट्रल चार्ज नहीं है इसलिए आयन्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, यहाँ से एक्स माइनस वन
माइनस वन, इन दोनों का माइनस वन माइनस वन, ये जीरो और इक्वल टू प्लस वन। तो मेरे ख्याल से ये दोनों माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और उधर जाके प्लस टू हो जाएगा। तो कोबाल्ट का क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू उधर जाके प्लस टू और ये प्लस वन, पहले से इधर ये दोनों प्लस टू हो गया, इधर ये प्लस वन है, तो दो और एक तीन, प्लस थ्री, एक दो तीन, ऐसे हो गया भाई। ठीक है, हाँ अब इसमें कैसा नाम करें, पहले तो साइनो का सी नाइट्रोसोनियम का एन, और नाइट्रोसोनियम एन है, अब साइनो का सी, तो पहले साइनो लिखेंगे, तो नाम क्या बनेगा, पेंटा साइनो, पेंटा साइनो। अब इसको क्या लिखें, नाइट्रोसोनियम लिख देते हैं, कभी कभी नाइट्रोसिल भी बोल देते हैं, लेकिन नाइट्रोसोनियम ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड होता है इसलिए नाइट्रोसोनियम, नेगेटिव होता तो नाइट्रोसो लिख देते हैं, पेंटा साइनो नाइट्रोसो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव, इसलिए अब इसको देखना पड़ेगा, पहले मैं पॉजिटिव मान के कर रहा हूँ, पॉजिटिव होता है ये जानकारी ना, कभी कभी देता है और नहीं देता, तो आप हमेशा पॉजिटिव लिगेंड मान के चल रहे हैं, एनओ प्लस नाइट्रोसोनियम, ठीक है। और आयरन, अब आयरन को देखो, थ्री माइनस, ऊपर में चार्ज नेगेटिव है, तो इसको फेरस, केवल आयरन ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आयन शब्द लिखना है, आयन इसलिए क्योंकि आयनिक फॉर्म में दिया है। अब इसका देखो भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, एक्स इसका माइनस फाइव हो गया, और एनओ को प्लस वन माना हो, एक और माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा कट के प्लस फोर, माइनस फोर सॉरी, एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, ओवरऑल एक्स इक्वल टू प्लस फोर माइनस वन, मतलब प्लस वन, एक आएगा। समझ पा रहे हैं क्या, इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है भाई। तो मैंने 10 एग्जांपल तो करा दिए, अब कुछ कुछ डिफरेंट केसेस के आईपी से नाम दिखाते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कंप्लीट, इतना तक तो हो गया, सिंपल वाला कर ही लोगे आप, नोट करें पहले। देखिए एक नया सेगमेंट लिखा हूँ, दो एग्जांपल कराऊंगा काफ़ी रहेगा, दो या एक एग्जांपल में भी काफ़ी रहेगा, नियम सीखना है बस। क्या नियम है देखो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड, एक नया शब्द आया है एम्बिडेंट लिगेंड, उसको हिंदी में बोलते हैं उभय दंती लिगेंड युक्त संकुल का नामकरण। पहले तो एम्बिडेंट लिगेंड को समझना होगा, है ना, एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, देखिए एम्बिडेंट लिगेंड जिसको हिंदी में बोलते हैं उभय दंती लिगेंड, ये क्या है पहले इसको समझिए। एक ऐसा लिगेंड, जैसे आप समझिए, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सीएन है, साइनो, साइनो और एक एनसी लिखते हैं तो यही बन जाता है आइसोसाइनो। साइनो में जो जुड़ाव है, एक्चुअल में साइनो में कैसा स्ट्रक्चर होता है, एस है, और नाइट्रोजन पे होता है, कार्बन पे होता है नेगेटिव, तो इसका नाम पड़ जाता है साइनो, याद रखिए। अब यहाँ से जब हम इसको उल्टा लिखते हैं, दो बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, तो उस समय है ना, इस समय का इस नाइट्रोजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, दो बॉन्ड तो बना ही लिए हैं, है ना भाई। अब जो ये होता है नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसको अब नाम बन जाता है आइसोसाइनो। तो क्या होता है कि फॉर्मूला में दिखने वाला है एक जैसा, भाई फॉर्मूला में देखोगे तो सी एन सी एन दोनों तरफ दिखेगा, तो ऐसे में कन्फ्यूजन से बचने के लिए नियम में थोड़ी बहुत बदलाव किया गया, जिससे कन्फ्यूजन से बच जाए। अब वो कन्फ्यूजन कैसा, फॉर्मूला देख के ना पहचान पाने वाला कन्फ्यूजन, और कुछ नहीं है, कई धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते गए नियम, तो पहले तो नाम ही अलग रखा गया साइनो और आइसोसाइनो, इससे भी पहचान हो जाता है, लेकिन फिर डाउट आया कि साइनो में और आइसोसाइनो में डोनर एटम का समस्या हो जाता है, तो उसमें बदल के उसको साइनो और ब्रैकेट में सी ऐसे लिखने का नियम बनाया गया, आइसोसाइनो लिखो नाम वही रहेगा और ब्रैकेट में एन लिखो, जिससे पता चलता रहे कि डोनर एटम कौन है। लेकिन बाद में समझ में आया कि एन से कहीं कन्फ्यूजन ना हो, एन को स्पेसिफिक डोनर एटम है ये बताओ, तो डोनर एटम बताने के लिए क्या देखना, यहाँ क्या लिखे हैं, एक सिंबल यूज करते हैं कप्पा, तो कप्पा सी साइनो, इसका नाम में क्या जोड़ दिया गया, कप्पा सी साइनो, ठीक है भाई, कप्पा सी साइनो, क्लियर, कप्पा सी साइनो, और इधर कप्पा एन आइसोसाइनो ऐसे लिखो बोला, जिससे एकदम क्लियर रहे, कप्पा शब्द आ गया मतलब ये एम्बिडेंट लिगेंड है,
ये पता ही चल जाता है। और इंबिडेंट लिगेंड के बाद जो लेटर लिखा होता है इंग्लिश का, वो होता है उसका डोनर एटम। तो ऐसा लिख दो, फिर आराम से क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। तो जैसे क्वेश्चन देखें, इसमें साइनो आइसोसाइनो वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, एक और ऐसा और लिगेंड और हो सकता है, एक आध लिगेंड और बता देता हूँ। जैसे NO2 है ना, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, और ONO यहाँ जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। तो इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डोनर एटम कब, ऑक्सीजन डोनर एटम कब, ये सब आपको समझना है। अब उसके इससे संबंधित कुछ एकाध एग्जाम्पल करके मैं दिखा देता हूँ, बस कुछ नहीं करना है, केवल एकाध एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैं दो मेजर एग्जाम्पल को फिलहाल लिख दिया हूँ। तो पहले आप इस एम्बिडेंट लिगेंड के इंट्रोडक्शन, अच्छा एम्बिडेंट लिगेंड को डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट हो लेकिन एक बार में वो केवल एक को उपयोग कर सके। क्या बोला, ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट हो, दो दाता परमाणु हो, लेकिन एक बार में वो केवल और केवल एक लिगेंड को यूज, एक डोनर साइट को यूज कर सके, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट। तो क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम्बिडेंट होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, कभी भी बाइडेंटेड नहीं होता, ये मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, इसलिए उसको मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कराना, इस बोलने के लिए एक बार में एक ही लिगेंड डोनर एटम होना चाहिए। और ये काफ़ी पास पास होते हैं, या तो ये जुड़ेगा या तो ये जुड़ेगा, दोनों एक साथ जुड़ ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो डेफिनेशन समझ में आएगा, लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम बट एट अ टाइम ओनली वन कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन खुद से लिख लीजिए, एग्जांपल लिखिए, ये हो गया एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में। एक आध एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स का लगा के दिखाता हूँ। देखिए दो एग्जांपल है इस तरह का, एक नाइट्रो, एक नाइट्राइटो और एक नाइट्रो। तो मैं नाइट्राइटो है, एन से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा या मीन ए से, तो यहाँ ए और एन में कंपटीशन है, ए पहले ही आएगा, तो नाम क्या बनेगा, पेंटा अमीन। इसके कारण यहाँ से देखो पेंटा अमीन हो गया। फिर यहाँ याद रखना, इसको लिखना पड़ेगा कप्पा ओ और नाइट्राइटो, ठीक, और फिर कोबाल्ट, फिर उसके बाद क्या, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, बाहर क्लोराइड। इसकी भी संख्या को शो करने की जरूरत नहीं, सब ऑक्सीडेशन स्टेट में शामिल होता है ना। यहाँ से देखिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं भाई, ये Cl माइनस दो बाहर करूँगा, दो माइनस तो यहाँ दो प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा x, और ये तो जीरो है, ये माइनस वन होता है, आपको पहले से लिखाया गया है, और ये प्लस टू होता है। तो ये अब x को आप निकालना चाहोगे तो माइनस वन को उधर भेज दो, तो प्लस टू प्लस वन हो जाएगा और प्लस थ्री हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तीन, ठीक है। यहाँ क्या अंतर होगा, ये नाइट्रो हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, पेंटा अमीन कप्पा एन नाइट्रो कोबाल्ट, एक दो तीन, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम आएगा और क्लोराइड, क्योंकि ये भी माइनस वन ही होता है, ये खुद निकाल लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से हो जाएगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड को इस तरह से नाम करते हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल, काफी है, चलिए अब दूसरे सेगमेंट चलते हैं। देखें अब नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, सेतु संकुल कॉम्प्लेक्स का, सेतु संकुल का नामकरण ऐसा लिखा हूँ। क्या है सेतु संकुल, पहले तो याद रखना, ब्रिजिंग लिगेंड को पहले समझ लो, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाएगा। ऐसा लिगेंड जो एक से ज़्यादा मेटल से एक साथ बॉन्ड बना सके, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे देखो ये लिगेंड इन दोनों मेटल को कंबाइन कर लिया है, तो इसको बकायदा एक सिंगल साइन म्यू साइन से शो करते हैं, म्यू और L लिखना पड़ेगा, L मतलब नाम को लिगेंड का, जो भी नाम होगा। कभी कभी ये ऐसा भी दिखता है, याद रखना, अब इसमें कैसे लिखना है, कभी ऐसा भी होगा कि वो हालांकि रेयर है पर ऐसा हो गया तब की बात है, एक साथ ये एक मेटल लिगेंड तीन मेटल को जोड़े तो म्यू थ्री लिखते हैं, ऊपर पावर में संख्या दिखाते हैं, लेकिन दो को नहीं दिखाया जाता क्योंकि मिनिमम दो से शुरू होता है, तो कुछ भी नहीं लिखा तो दो समझते हैं, और यही सबसे कॉमन है, ये बहुत कम दिखेगा, ठीक है, आगे तब की बात है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के तौर पे म्यू सी एल ऐसा लिख दो, तो इसको जब नाम लिखोगे ना तो म्यू क्लोरो लिखेगा, ऐसा लिगेंड ही नाम रहेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा एक साथ
जो मेटल है वो एक साथ दो तरह से ऐसे जुड़ जाए, दो क्लोरीन से, दोनों दोनों ब्रिजिंग, तो क्या लिखोगे? डाई म्यू क्लोरो, मतलब म्यू क्लोरो तो कॉमन है, डाई पहले आएगा, म्यू डाई क्लोरो मत करना, डाई म्यू क्लोरो, क्योंकि म्यू भी दोनों दोनों के लिए आया है। कभी ऐसा भी होगा, मान लो इधर क्लोरो है और इधर पे ब्रोमो है, तो अल्फाबेट के हिसाब से चलना है ना, क्लोरो का सी ब्रोमो का बी, तो बी पहले आएगा, तो म्यू ब्रोमो म्यू क्लोरो ऐसे है ना, लेकिन म्यू अब अलग अलग लगेगा। ऐसे लिगेंड को अपने को नाम में डालना है। अब उसको बाकी नियम वही है जैसा होता है, तो मैं कॉम्प्लेक्स के साथ दिखाता हूँ, पहले सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के बारे में ऐसा बोल दिया हूँ, ठीक है। एक ब्रिजिंग लिगेंड, एक ब्रिजिंग लिगेंड तीन मेटल, एक ब्रिजिंग लिगेंड दो मेटल, दो ब्रिजिंग लिगेंड दो मेटल, और वहाँ पर दो डिफरेंट ब्रिजिंग लिगेंड दो मेटल, ऐसा दिखाया हूँ। सबके पीछे कुछ ना कुछ हिंट बनाया हूँ। दो संख्या को शो करने की जरूरत नहीं है, दो से ज़्यादा संख्या होता है तो शो करते हैं, एक से ज़्यादा ब्रिजिंग हो तो डाई ट्राई ये शब्द यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का ब्रिजिंग हो तो अल्फाबेटिकल मैनर में जो पहले आए उसको पहले, बाद में आए उसको बाद में। ये है लिगेंड के नामकरण का तरीका। अब इसको कॉम्प्लेक्स में फिट करके बाकायदा नाम करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, नो डाउट। देखिए मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के लिखे हैं, तो जरा उसमें चलते हैं। जब भी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम करोगे आप पहले ना ब्रिजिंग लिगेंड का नाम पहले रखेंगे, चाहे वो अल्फाबेटिकल मैनर में इससे पीछे आए या आगे आए, पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम। तो म्यू और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सो, ये लिख दीजिए पहले, इसको इसको अल्फाबेट नहीं देखना ना, पहले ब्रिजिंग को पहले डाल देना है, उसके बाद इसमें अल्फाबेट देखना होता है, ब्रिजिंग में नहीं। तो ब्रिजिंग म्यू हाइड्रोक्सो हो गया। अब फिर देखो मेरे ख्याल से ना ये और ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, सेम नज़र आ रहे हैं, तो सेम नज़र आ रहा है तो फिर अब क्या करोगे, एक बार बस 20 यूज करो, ब्रैकेट में इसको पूरा लिख दो, है ना, 20, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को स्पायरल कर लेता हूँ ऐसा। देखो अब क्या हो गया, पेंटा अमीन, अंदर क्या है, पेंटा अमीन, अंदर में जो रूल पुराना लगता है वही लगाया हूँ, पेंटा अमीन और क्रोमियम, पेंटा अमीन क्रोमियम, ठीक है भाई, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, पेंटा अमीन क्रोमियम और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। और क्लोरीन, ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्लोरीन है, तो उसको हम सिंपल सामान्य नाम जैसे क्लोराइड लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आसान है। देखो दो मेटल है तो आप क्या करो, 2x और एक नेगेटिव लिगेंड है बस, बाकी न्यूट्रल है, इक्वल्स टू, यहाँ से आपके 5 माइनस बाहर होगा, 5 माइनस इस 5 प्लस माइनस बाहर होगा और 5 प्लस इधर आएगा, तो 5 प्लस लिख देना है, ठीक है। तो फिर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3, तो यहाँ से 3 करके लिख देंगे, और यहाँ से स्पायरल ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्लोराइड, जरा देखें। तो अब ये हो गया, अब दूसरा एग्जांपल में आ जाए, दूसरा में और सीख लेंगे, जो बच गया अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा में सीख लो, है ना, दूसरा में ख़त्म हो जाएगा। कैसे, बेसिक लेवल का ही करना है अपने को, हाई लेवल का नहीं करना है बहुत ज़्यादा। क्या करें भाई, देखो एक ये भी हाइड्रोक्सो, और ये क्या है, इसका नाम आपको जानना पड़ेगा, लिखाया हुआ लिस्ट में क्या है भाई, अमीडो, अमीडो, ठीक है, इसको अमीडो लिगेंड बोलते हैं। तो देखो अमीडो का ए और हाइड्रोक्सो का एच, ए पहले आएगा, तो लिखूंगा म्यू अमीडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, और मेरे ख्याल से फिर से सेम है दोनों तरफ, तो अब 20 लगा दो, और 20 के बाद टेट्रा अमीन कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट क्लोज, और बाहर में आयन शब्द लिख देना, क्यों, आयन है, हो जाएगा। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो देखो, तो ये दोनों दोनों माइनस लिगेंड है, यहाँ दो मेटल के लिए 2x कर देता हूँ, ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, कितना हो गया, माइनस टू, और इक्वल्स टू प्लस 4, तो 2x इक्वल्स टू प्लस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 6, 2x इक्वल्स टू प्लस 6, तो x इक्वल्स टू प्लस 3 ऐसे। कभी ऐसा डाउट आ रहा होगा कि मान लो इधर लिगेंड सेम नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो भी बड़ा सिंपल है भाई। कैसे, इस समय क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसा कि 4 और 4 8, आप अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, देखो म्यू हाइड्रो अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो हो गया, 20 नहीं लिखना चाह रहे तो क्या करना, 4 और 4 8 टोटल जोड़ दो, 8 अमीन है, ऑक्टा अमीन, फिर डाई कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी आगे सेम,
ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? वो क्या बोल रहा हूँ वापस लिख नहीं रहा हूँ, एक ही नाम लिखना हो लेकिन रफली चाहो तो लिख सकते हैं, कोई किसी को चाहिए तो लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा हो या दोनों तरफ सिमिलर ना हो तो ऐसा कर सकते हैं दोनों तरफ के लिगेंड को मिला के टेट्रा ऑक्टा जो भी पढ़ रहा होगा। जैसे यहाँ इसके लिए बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, 4 4 8 ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये पहले तो रहेगा ये, मतलब टोटल नाम क्या बनेगा, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई अगर चाह रहा है कि मान लो सर पूरा का पूरा अलग हो गया तो क्या करें, इधर का मेटल अलग है इधर का मेटल, ऐसे होता नहीं है लेकिन हो गया तो क्या करें, बीएससी लेवल में तो खैर नहीं होगा, तो आप कुछ मत करना उस समय ना, ऐसे लेफ्ट टू राइट चलना, टेट्रा अमीन कॉपर म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा अमीन कॉपर कोबाल्ट, ऐसे टेट्रा अमीन कोबाल्ट म्यू अमीनो म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, बस एकदम लेफ्ट टू राइट चल देना अगर सब डिफरेंट है तो। ये 20 तभी यूज़ होगा जब दोनों तरफ 100% सेम हो, लिगेंड सेम हो, ठीक है। तो अपने बीएससी लेवल में यही है इसलिए इसको ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट करें, ये हो गया।